झुकते नहीं जबकि प्रणाम कैसा है दंडवत केवट उतरे दंडवत कीन्हा केवट उतरे राम को पार लगाकर उतर कर दंडवत वदा दंडवत का मतलब क्या है दंडवत का मतलब क्या है दंडवत मतलब डंडे की तरह डंडा डंडा जानते हैं लाठी छड़ी डंडा डंडे की तरह गिर जाना पाही नाच कहीं पाही गुसाई भूतल परे हूं लकुट की नाई लकुट मतलब डंडा ऐसे देखो ये डंडा माना कि ये बिल्कुल यूं गिर पड़ना चरणों में बिल्कुल खड़े खड़े गिर गए भरत जी राम के चरणों में खड़े खड़े गिर गए केवट जी भगवान राम के चरणों में खड़े खड़े लेकिन आपको खड़े खड़े नहीं गिरना पर आपको लेटना है माँ के चरणों में लेट कर प्रणाम ये स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें आपको पता है स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए ये केवल पुरुषों के लिए आज के लड़कों को समझा आज के लड़के ना माँ बाप को प्रणाम भी नहीं करते सही सही ये बात सही है कि गलत है घुटने छूते हैं और घुटनों में होता है रोग इसलिए रोगी होते हैं चरणों में होते हैं भगवान चरणों में किसका वास होता है बोलो चरण ही क्यों छुए जाते हैं सिर क्यों नहीं छुआ जाता जबकि श्रेष्ठ तो सिर है भाई सिर श्रेष्ठ है ना बोलो हाँ तो छुआ चरण क्यों जाता है सिर से सिर क्यों नहीं मिलाया जाता चरण ही क्यों छुए जाते हैं आप बताओ मैया चरण ही क्यों छुए जाते हैं बताओ पिता के चरण गुरु के चरण बुजुर्गों के चरण हर जगह चरणों की परंपरा क्यों क्योंकि क्योंकि बोलो क्योंकि चरणों में ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है सबके चरणों में भगवान का वास है पता है आपको इसलिए चरणों को प्रणाम करना मतलब प्रभु को प्रणाम करना सबके चरणों में भगवान है इसलिए वो चरणों में ईश्वर का वास है इसलिए देखो भगवान कहाँ रहते चरणों में रहते इतने बड़े भगवान पर अपना निवास स्थान कहाँ बनाया चरणों में इसलिए चरण छूने की परंपरा इसलिए चरण छुआ करो चरणों में रहा करो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गन करहिं कपट तजिगान गुरु की सेवा तीसरी भक्ति